हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंच डीमैट ऐप के बारे में। पंच ने अपने डीमैट अकाउंट को, अपने ऐप को बहुत ही अपग्रेड कर दिया है, बहुत ही अपडेट कर दिया है, नए नए फीचर्स आ गया है। जब मैंने इसकी वीडियो बनाना शुरू किया था, बहुत कम फीचर्स थे, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, लाइव मार्केट में भी ट्रेड करके दिखाया है। वो सारी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम पूरा पंच ऐप को ही समझने वाले हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि मोबाइल में ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी डीमैट में अगर आप मोबाइल में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप एक जगह चार्ट देखो, एक जगह आपको स्पॉट का चार्ट देखना पड़ता है, फिर आपको एक जगह प्रीमियम चार्ट देखना पड़ता है, फिर ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, काफी कुछ देखना पड़ता है, तो एक ही स्क्रीन पे हो नहीं पाता। यही काम आसान किया है ऑप्शन ट्रेडर के लिए पंच ने। आप पंच में बाइंग सेलिंग यानी ऑप्शंस बाइंग सेलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत बेहतरीन फीचर्स लाया है, उसी को हम वीडियो में समझेंगे। वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अब नए अपडेट्स के बारे में, तो टाइम फ्रेम, पहले पंच में इतने सारे टाइम फ्रेम्स अवेलेबल नहीं थे, अभी आपको सारे टाइम फ्रेम यहां से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो है यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो, सारे टाइम फ्रेम आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करके चार्ट को लगा सकते हैं। सबसे पहला आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे पंच में मिल गया। और अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी नहीं है, अगर आपका भी डीमैट अकाउंट नहीं है पंच में, तो आपको मैंने लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, ताकि कुछ भी अगर सपोर्ट लगे तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिकेटर्स की, तो जो है पहले बहुत सारे एक दो इंडिकेटर्स थे यहाँ पे पंच के ऐप में, अब जो है सारे इंडिकेटर्स यहां पे अवेलेबल कर दिए गए, ऑलमोस्ट सारे कर दिए। आपको एमएससीडी मिल जाएगा, एडीएक्स मिल जाएगा, ईएमए मिलेगा, एसएमए मिलेगा, यहां पे आपको आरएसआई मिलेगा, सुपर ट्रेंड मिलेगा। तो पहले इतने सारे इंडिकेटर नहीं थे, सुपर ट्रेंड, पाइवोट, बोलिंजर बैंड, सारे इंडिकेटर्स आपको ऑलमोस्ट यहां मिल जाएंगे। बस आपको इस्तेमाल करना, यूज करना आना चाहिए, और यूज कैसे करना है इसके ऊपर धीरे धीरे करके मैं इस चैनल पर वीडियो बना के आपको दे रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पे, तो ये हो गया आपके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर चार्ट से जुड़ा हुआ, राइट। इंडिकेटर लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बोलिंजर बैंड, पाइवोट पॉइंट, ये सब इंडिकेटर लगा रखा है। ओके, यानी अगर आज की हम बात करें तो यहां पे आज निफ्टी के अंदर देखो, जैसे ही ये बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन के नीचे आया, इधर आपको पुट खरीदना चाहिए था, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो जाता है। एक ही स्क्रीन पे आप बाइंग बहुत आसानी से कर सकते हो। अब बाइंग कैसे कर सकते हो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, यानी पहले यहाँ पे इसमें क्या था, सिर्फ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी यानी कुछ इंडेक्स थे बाइंग के लिए, लेकिन अब यहाँ से, अब ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एरो वाला, यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप इधर से ही यानी जो चाहिए, समझो आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, जस्ट यहाँ निफ्टी पे क्लिक कर दो, इधर क्लिक कर दो, इधर ही क्लिक कर दो, निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा। इधर क्लिक करो बैंक निफ्टी आ जाएगा, इधर क्लिक करो सेंसेक्स आ जाएगा, सारे इंडेक्स अवेलेबल कर दिए गए। मिड कैप निफ्टी अवेलेबल कर दिया, फिर निफ्टी अवेलेबल कर दिया, राइट। सारे इंडेक्स बैंक एक्स कर दिया, आप इवन स्टॉक में, समझो आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आप जस्ट यहां पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये, देखिए मैंने क्लिक किया, अब आपको आपके सामने एक्सिस बैंक का चार्ट आ गया, राइट। तो इस तरह से आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट, किसी भी इंडेक्स का चार्ट आपको यहां से खुल जाएगा। बाइंग कैसे करना ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद अब आ जाते हैं यहां पे नीचे की तरफ, यहाँ नीचे देखिए आपको, अब यहाँ पे आपके पोजीशन दिखेगा, आपका प्रॉफिट लॉस दिखेगा, यहीं से आपको उसको क्लोज कर सकते हो, आप उसे बेच सकते हो। मैं आपको एक और वीडियो लाइव मार्केट बनाऊंगा नए ऐप में, ताकि आपको और आसान हो जाए पंच में ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसको जस्ट स्लाइड करो, देखो मैंने फिंगर से स्लाइड कर रहा हूँ, जस्ट स्लाइड करो इसको। अब यहाँ पे देखो RSI दिखा रहा है, भैया RSI अभी 30 चल रहा है, आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दो RSI के ऊपर। ये RSI देखो, आपको यहाँ पे नीचे RSI का इंडिकेटर भी लग के आ जाएगा, तो इतना दे दिया और क्या चाहिए। अब भी फिर से यहां से बैक कर दिया, सुपर ट्रेंड क्लिक किया, देखो सुपर ट्रेंड लग गया, यानी ये जो रेड वाला है ये सुपर ट्रेंड लाइन है, और ये वाला जो है वो शेयर्स की प्राइस दिखा रहा है। यहां बैक कर दिया, अब देखो MACD भी यहां आपको दिख गया, MACD का नंबर्स क्या चल रहा है, यानी एक ही स्क्रीन पे सारे इंडिकेटर आप लगा सकते हो। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, वॉल्यूम भी दिख रहा है आपको, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस करना आता है तो यहीं से आपका काम आसान हो जाएगा। ये सारी चीजें एक मोबाइल पर करना पॉसिबल नहीं होता है, जो कि पंच ने ये पॉसिबल किया है। इसी तरह से ADX इंडिकेटर यहां पे लगा है। तो अब आपको क्या हो गया, एक एनालिसिस करने के लिए आपका काम बहुत ही आसान कर दिया पंच ने, जब आपको डिसीजन लेना हो कि भाई बाई करना है या नहीं। नेक्स्ट इसको स्लाइड करो थोड़ा सा, और एक बार और स्लाइड कर लो। सो मैं यहां पे वापस से एक बार बैंक निफ्टी लगा देता हूं।
ओके, बैंक निफ्टी के बाद मैंने यहाँ फिर से एक बार स्लाइड किया, तो आप देखोगे कि जो इंडेक्स के प्रीमियम के चार्ट आते हैं वो भी इधर आ जाते हैं। यानी समझो आपको, अब देखो ये देखो लिखा है, यानी प्रीमियम है ये 51,500 कॉल लिखा है। अगर आपको चाहिए, नहीं मुझे भी दूसरा कॉल चाहिए, तो जस्ट ये जो एरो दिख रहा है क्या यहाँ पे सामने, उसके ऊपर क्लिक कर दो। देखो मैं ये क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ से ये क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको आ गया राइट, आपको क्या क्या आ गया, देखो यहाँ पे OI आ गया, OI चाहिए तो OI क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो, 51,500 है उसको आपको चेंज करना है, बस एरो पे क्लिक करते जाओ। यहाँ पे देखो ये 600, 700, 800, 900 जो करना है कर लो। आपको कॉल पुट चेंज करना है, यहाँ से कॉल पुट चेंज कर लो। तो ये देखो मैंने पुट कर दिया, अब पुट का चार्ट, पुट के प्रीमियम का चार्ट लग गया। यानी देखो अभी क्या होता है, नॉर्मली आप एक स्क्रीन पे स्पॉट चार्ट और ये नीचे जो है ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट खुले, ऐसा पॉसिबल नहीं था पहले, पंच में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और आपके लिए, आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना आसान किया राइट। इसी तरह से मैं OI पे क्लिक करता हूं, देखो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, यानी कि ये OI आ गया। OI मतलब क्या, किस चीज की OI, देखो ध्यान समझो इस चीज को, किस चीज़ की OI, तो ये जो 51,900 का पुट दिख रहा है, ये 51,900 पे पुट ये भी घट रहा है या बढ़ रहा है, ये चीज़ें आप आसानी से नहीं, अगर आपको OI एनालिसिस करना आता है तो भैया आपका काम यहाँ से आसान हो गया। इवन वॉल्यूम पे क्लिक करोगे आपको वॉल्यूम भी आ जाएगा, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो या पुणे में आके फिजिकली क्लास कर सकते हो, आपको पूरा शेयर मार्केट सिखाया जाएगा राइट। फिलहाल आप जो है, यानी आपको नॉलेज है तो पंच ऐप ऑप्शन ट्रेडिंग इतना बेहतरीन है कि भैया क्या बोलूं राइट। तो यहां पे आप सारे इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद अब ऑप्शन की बाइंग कैसे करनी है, तो यहां पे आप देखो ध्यान से समझो, ये यहां पे आपको सारे ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस मार्केट में अवेलेबल है आपको ये सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पे जस्ट फिंगर से क्लिक कर देना है। देखो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं, जैसे मैंने 51,700 पे क्लिक किया, अब आप देखो यहां पे आपका कॉल का प्रीमियम और ये पुट का प्रीमियम हाईलाइट हो गया। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, 51,600 पे क्लिक करता हूं, उसका भी प्रीमियम देखो हाईलाइट हो गया। अब आपको कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, देखो ये कॉल पुट खरीदने के लिए एक ही विंडो पे कहीं आता है कि किसी डीमैट में नहीं आता, ये आपको पंच मिलेगा। बस आप जस्ट ये सी पे क्लिक कर दो, यहां पी पे क्लिक कर दो, कॉल पुट बाई हो जाएगा। देखो मैं ये सी पे क्लिक कर देता हूं, यहां पे आ गया भैया, ये आपका प्रीमियम का प्राइस है, ये आपका कितना लॉट लेना चाहते हो। अगर आप समझो सेल करना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, तो जस्ट इसको माइनस में कर दो राइट, क्वांटिटी माइनस में कर दो, और अगर प्लस करना चाहते हो तो प्लस में कर दो। यहां लिमिट मार्केट जो लेना है ले सकते हो, ट्रिगर SL जो भी लगाना लगा सकते हो राइट। उसके बाद यहां से प्रीमियम को भी बढ़ा घटा सकते हो। बस उसके बाद क्या बात है, यहां से देखो पंच बाय पे क्लिक कर दो और बस आपका वो पंच हो जाएगा। तो इसके लिए आपका अभी यहां पे मैंने, मेरा फंड नहीं है करके यहां दिखा रहा है, इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है, यानी आपका काम इतना आसान कर दिया है कि पूछो ही मत। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट बाय कर सकते हो एक ही विंडो पे, यहां नीचे आपका प्रॉफिट लॉस दिखेगा। इवन आप जब बाय कर लोगे ना, तो यहां पे आपका ये प्रॉफिट लॉस इधर भी दिखने लगेगा आपको, और यहीं से आप उसे क्लोज कर सकते हो, बेच सकते हो। तो इतना बेस्ट फीचर आपको पंच में दिया है। उसके बाद आपको यहां पे जो है और बताऊं मैं आपको, अब देखो जैसे इसके अंदर फंड ऐड करना है, तो पहले क्या था कि फंड ऐड करना करने के लिए अलग से आपको यहां पे ऐप लगता था राइट दूसरा, लेकिन अब इन्होंने इसी में कर दिया, तो इतना इन्होंने एडवांस कर दिया। अब देखो प्लस आपको समझो यहां पे कर्सर चाहिए, जैसे अभी मैं फिंगर से घुमा रहा हूं तो ऐसा चल रहा है, मुझे एक कर्सर चाहिए, तो जस्ट इसी स्क्रीन पे थोड़ी देर तक उंगली से दबा के रखो, ये देखो इस तरह से आपको कर्सर आ जाएगा, आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो किसी भी कैंडल के ऊपर। तो इतना बढ़िया फीचर दे रखा है फंड ने। अब देखो फंड ऐड करना है, तो यहां पे देखो आपको फंड दिखा रहा है, आपको समझो आपको रिपोर्ट चाहिए, आपके प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट चाहिए, लेजर का रिपोर्ट चाहिए। भैया ये लेजर का रिपोर्ट आप यही टाइम डाउनलोड कर सकते हो, इवन बहुत सारे डीमैट ऐसे हैं ना कि आपको ये रिपोर्ट वगैरह आसानी से दिखते नहीं, लेकिन फंड ने इतने अच्छे से यहां दे रखा है कि क्या बताऊं। सो यहां पे देखिए फंड पे मैं क्लिक करता हूं, मुझे फंड ऐड करना, चलो मैं आपको ऐड करके भी दिखा देता हूं। लगे हाथ क्लिक किया, यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं एक ऐड फंड पे क्लिक करता हूँ, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर चलो 100 रुपीज़ डाल देता हूँ, या इवन चलो अच्छा मैं 200 रुपये डाल देता हूँ। अब यहाँ पे गूगल पे है, UPI है, जिससे चाहो आप ऐड कर सकते हो। मैं गूगल पे भी क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ, आपको गूगल पे लेके जाएगा। इस तरह आप UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। तो जस्ट आपको गूगल पे पे यहाँ पे लेके चला जाएगा और आप गूगल पे से अपना पेमेंट ऐड कर सकते हो। बस आ गया, पे कर दो, हो गया राइट। तो चलो फिर अभी मैं नहीं करूँगा राइट, मैं बाद में कर लूँगा। तो आप इस तरह से कर लेना, कुछ दिक्कत आएगा तो आप मुझे बता सकते हो। चलो मैं इसको बैक कर देता हूँ यहाँ से। आप विड्रॉल वगैरह नीचे विड्रॉल दिया है, विड्रॉल कर सकते हो अगर पन है। पेमेंट हिस्ट्री देखो, यहाँ से आपको पेमेंट हिस्ट्री जानना है कि आपने क्या पेमेंट वगैरह डाला था, तो यहाँ पेमेंट हिस्ट्री आपको दिख जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे
ये यहाँ पे देखो ये डाल रखा था, फंड मैंने डाला था, विड्रॉ किया था वगैरह, यहाँ पे दिख गया। चलो अब आ जाते हैं इसके रिपोर्ट के ऊपर। क्या आप जानना चाहते हो कि रिपोर्ट किस तरह से देखेंगे? तो मैं क्या करता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। रिपोर्ट को कैसे स्टडी करना है ये मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे देखो आपकी एक्सपायरी चेंज कर सकते हो, किसी भी एक्सपायरी को कॉल पुट चाहिए वो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करो, इधर इधर क्लिक करो तो यहाँ से फंड देखो, फंड ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने बहुत आसानी से दे रखा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे सर डायरेक्ट फंड ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये भी एक बहुत बेहतरीन फीचर इन्होंने दे दिया है। अब बताता हूँ मैं आपको, ये फीचर आपको बहुत सारे डीमैट में नहीं मिलेंगे भाई मेरे, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, सो पहला नंबर तो मैंने बैंक निफ्टी ओपन किया है, राइट। 31 जुलाई एक्सपायरी है, यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ्यूचर दिख रहा है, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, टॉप कंट्रीब्यूशन यानी बैंक निफ्टी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, कौन से बैंक कर रहे, कौन से स्टॉक कर रहे। उसके बाद 5 डे का प्राइस रेंज क्या है, 5 दिन का प्राइस रेंज भी दिखा रहा है, ये कोई दिखाता है क्या? नहीं। PCR आप देख लो, PCR आपको यही दिखा दे रहा है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं PCR देखने के लिए। डीमेट वगैरह में PCR नहीं आता है बहुत सारे डीमेट में, तो आपको यहाँ PCR दिखा दिया। इंडिया वीक्स आपको यहाँ दिखा दिया है, और क्या चाहिए? यानी एक ही स्क्रीन पे इतना कुछ, टॉप ट्रेडर स्ट्राइक प्राइस आपको दिखा दिया। भैया कौन से स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा ट्रेडिंग चल रहा है, किसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस दिखा दिया, ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखा दिया। यानी अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है तो इन सब का इस्तेमाल करके अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हो, राइट। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप एक रिस्की है, लेकिन इसके जरिए उन चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, SL वगैरह अच्छे से प्लान कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो में जानकारी अच्छे समझ में आया रहेगा। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आया, कुछ डाउट, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं लाइव मार्केट में और एक वीडियो आपको बना के बाइंग, सेलिंग, SL, टारगेट वगैरह का डेमो आपको दिखा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन आपका एक काम है, मैंने आपका काम आसान किया पंच को समझने में, आपका काम है पंच में डीमैट खोले अपने लिंक से, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा काम है आपका, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया है, और वीडियो को शेयर करिए जो है, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम इसी तरह से और वीडियो में।